बर्थडे मेरा। अब आप लोग मत बोलिए, काफी पुराना ब्लॉग है कि ब्लॉग्स कभी कभी होते ना एक्साइटमेंट में ज्यादा बन जाता है कुछ है। कि ब्लॉग्स ऐसे होते आगे पीछे होता ही रहता है, कोई लाइव नहीं डालता है। आप लोग बोलोगे कि बुढ़ी लाल लगा हम सैया जी के कीनल बसाड़ी। अरे मेरी माँ इतनी कारीगरी करती है तो मुझे क्या दिक्कत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। आज एकदम इतनी आवाज भी लग रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा लग रहा है जैसे कि ठंडा लग गया है, क्या खुला हवा लगा या धूल धूप मिट्टी से ऐसे लग रहा है कि जैसे हो गया है कल ऑटो में ओपन ऑटो की कार बोलते हैं और आप बोलते हैं सो से आई थी सो ई रिक्शा से तो उसे हो जाता है हमको थोड़ा सा धूल मिट्टी सबसे। हेलो, देखो कौन है? हेलो, लिया देखो कौन है? वो साइलेंट कर दी। अब दादू का दादू का पर्सनल फोन है, प्राइवेट दादू का फोन आप क्यों उठाएंगे? बाप रे, दादू को ही दिया गया। कुछ दिन बाद कहीं ना सबका फोन उठाते रहे। अरे साहब जी, बाप रे साहब जी, चलो बोले 1 करोड़ रुपए महीने का कमाने को मिला, दिल छेद दिया। 1 करोड़ रुपए मुझे महीने का कमाने दो, जब भी कमाऊ, मतलब अगर नहीं कमा पाया तो कोई अगर कमा उम्मीद और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, देखते चाहिए हमेशा। कैमरा एंगल जिस दिन कमाने लग गया ना उस दिन मैं 50% बांट दूंगा। आई एम नॉट योर छोटू, राइट? 50% मैं बांट दूंगा, दान दे दूंगा, ठीक है? एंड 50% मैं पूरे परिवार को खुश रखूंगा। अपने बाद में रहूंगा, मेरे पास 0% भी कोई नहीं रहने देता है। कौन सा रहने देते हो? बीवी और माँ के बीच में कुछ बचता ही नहीं है। तीसरी और आ गई अब। आते के साथ पप्पा करती है तो प्यार से कौन छोड़ेगा कुछ? मेरी परिक्रमा करनी है, परिक्रमा। समझ रहा है तुम? किस समझ रहा है? किसका फोन बज रहा है बेटा? किसका फोन बज रहा है? किसका फोन बेटा? आई मेरे ओह माय गॉड बेबी, आइडेंटिफाई इसकी, किसका किसका फोन है? मैं अपने फोन के साथ रेस्क्यू हुई हूँ, कहीं गिर गया तो। हेलो, हाउ आर यू? किसका फोन है? बंद हो गया। अच्छा, हेलो। बाप रे, जिसका फोन उसी को देना है, पहचानने लगी है। एक गिरा हुआ उठा ली, खाली उन क्या है, सफाई करते करते हालत खराब हो गई। बर्थडे मेरा। अब आप लोग मत बोलिए, काफी पुराना ब्लॉग है कि ब्लॉग्स कभी कभी होते हैं ना एक्साइटमेंट में ज्यादा बन जाता है, कुछ खुशी का टाइम आता है ना तो ब्लॉग्स लंबे बन जाते हैं। इसमें जो है ना सर, इसमें है पुराना कपड़ा, इसमें है नया कपड़ा। इनके ब्लॉग में ना कपड़ा कपड़ा ही दिखेगा, कभी कपड़े की सफाई, कभी पुट्टी की। नहीं दिखाएंगे अभी, कभी साफ नहीं किए हैं ये सिलाई उलाई के लिए। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग छठ करने जा रहे हैं, तो छठ करेंगे तो उसके लिए कपड़ा तो चाहिए ना, ब्लाउज ब्लाउज सिलवाना है, ये सब करना है, तो इसलिए साड़ी ये सब निकाली हूँ मैं। इसमें संबंध करता था कि बड़े मार्केट में इनका टेक्सटाइल का शॉप ही खुलवा देते हैं, ये खाली कपड़े सिर्फ कपड़ा 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 करती रहती है। ये कपड़ा इधर बच्चा लोग नहीं आता है, ये कपड़ा निकाल ले, पुराना ना निकाल ले, ये वाला ट्राई कर ले, वो वाला ट्राई कर ले, ये चलता रहता है सब। एकदम करते करते सब साफ सफाई भी कर रहे हैं, किचन उचन का सब साफ सफाई करके अभी तैयार हुए हैं। अब दिखाऊंगी मैं आप लोग को, अभी आराम से थोड़ा सा खा के दिखाती हूँ। आज तो लग रहा है पूरा मार्केट ही खरीद के ले आए हैं। उस दिन तो मैं नहीं कर पाई थी, मैं बहुत थक गई थी तो नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर आज वही सूट पहने, संजोग से ऐसा हुआ कि वही सूट आज भी पहनी हुई हूँ मैं। क्या क्या है सो दिखाती हूँ आप लोग को, क्योंकि ये वीडियो जब आएगा तब 10 दिन सर निकल जाए। हाँ, 10 दिन नहीं, 5 दिन निकल दिन निकल जाएगा, बर्थडे हो चुका है। वैसे हमारे सब्सक्राइबर फैमिली को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है कि ब्लॉग्स ऐसे होते आगे पीछे होता ही रहता है, कोई लाइव नहीं डालता है। सबसे पहला ही दिखाते हैं हम, शुभम से शुरू करते हैं, शुभम मीन्स की शुरुआत। शुभम के लिए शगुन खरीदी। एक्चुअली हम लोग मार्केट जाते हैं दोनों सास बहू, तो शुभम
बोलता है मेरे लिए कुछ नहीं ले आई, अगर बाय द वे कभी नहीं उसके लिए ले आए ना कोई चीज तो बोलता है मेरे लिए कुछ नहीं लाई, मेरे लिए भारी पड़ जाता है भाई। हाँ, सगुन के लिए भारी पड़ जाता है, नाक चढ़ा के घूमता है, नाक चढ़ा घूमेंगे, नाक चढ़ा के घूमते हैं, मेरे से कुछ नहीं बोलता है, ये तो बात सही है। और ये ले आया, ये मैं पढ़ना के दिखाऊंगी उसको, देखिएगा अभी तो ऑफिस गया हुआ है, ये पढ़ना के दिखाएंगे, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम फंकी है, सब टाइप से बच्चों सबको अच्छा लगता है। कपड़ा भी बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा है मतलब कि ये सिल्क टाइप से है लेकिन फिर भी अच्छा है, काफी ड्यूरेबल वाला जो होता है ना कि बच्चा किसी तरह से धान के पहने अच्छा रहेगा, काफी अच्छा है। तो ये शुरुआत किए शुभम से, शुभ शुरुआत हुआ, शुभ शुरुआत हुआ, शुभ शुरुआत हो गया शुभम से, फिर हुआ हम लोग से शुरू होता है। अब तो लेडीज का तो लंबा चलेगा ही, वो जिनका छोटा छोटा तो नहीं, ऐसा करते कि पहले नहीं, बीच बीच में मिक्स करके करेंगे, फिर शुरुआत होता है फगुन, उसकी कहानी आप लोग को बताएंगे आराम से कि कैसे क्या हुआ। सही कहा गया कि हम लोग एक यूट्यूबर है ना, तो बहुत कुछ का प्रूफ रखते हो जाता है हम लोग के पास, कुछ ऐसी चीजें कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि उस घटना का प्रूफ रहता है, हम लोग एविडेंस लेकर ही चलते हैं। हाँ, और ज्यादातर हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो आप लोग को नहीं दिखाते हैं उस वक्त, लेकिन वो वीडियो हम लोग लेके रखे रहते हैं, वो भी शायद वीडियो नहीं आया है मार्केटिंग का, शायद नहीं आया क्योंकि उसके बाद अमित को जाना हो गया, ये सब हो गया तो फिर नहीं हो पाया, और इतना जिद करके मैं मुंह बना के बैठी हुई थी, इतना जिद करके सबसे बड़ी चीज गए थे हम लोग इसका जींस चेंज करने और मेरा ये बर्थडे का कपड़ा सब खरीदने, तो जींस तो वो बोलता क्या है नहीं मेरे यहाँ का नहीं है, मैं कार्गो नहीं बेचता, तो फिर हम लोग उसको तो पता है मैंने क्या बोला, एक मिनट रुके मैं दिखाती हूँ किसका है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कहा ये आप ही हो ना, नहीं ये मैं नहीं कोई और है, चलिए जाइए पहले हाथ पर पोछो, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सब्सक्राइबर फैमिली, अब बहू आ गई है तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस हो गई, पहले जा ना दिखाती हूँ, कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलो हम चुप होते हैं, कोई नहीं माँ कोई नहीं ना, हाँ बेटा इसको बिठा दीजिए आराम से बैठ के देखेगी, हाथ पोछ दो सब खेल के आएंगे ना, देंगे आपका भी आया बेटा, इसमें आप लो ना ये मुंह में चिपका देखिए, ये देखिए आपका है, चलिए भाई अब सबसे पहले छोटा से शुरू होता है, अब घर में बच्चा रहेगा तो बच्चा रहेगा नहीं रहेगा, शुरू होगा होली में हम लोग पहनेंगे जो सो दिखाते हैं आप लोग को, वो तो आती जाती रहेगी, चलिए होली का ही शुरुआत करते हैं, जींस का बात जो बीच में ही रह गया था तो अब उसका बात ही रख देते हैं हम, तो होली का लिया गया सबसे पहले ये देखिए, लेकिन नहीं ये तो सरप्राइज रहेगा, तो होली तो सरप्राइज तो होला होली सब निकल जाएगा, आप दीजिए ना, तो ये रहा हैप्पी होली, नहीं होली की शुभ हार्दिक शुभकामनाएं, ये है रिद्धि का टी शर्ट, अभी मैं इसके पीछे में फैब्रिक पेंट है मेरे पास, वो हाथ का छप्पा मार दूंगी थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा, हाँ बेटा साइड में बढ़ जाओ थोड़ा सा, मैं तो अपना क्रिएटिव माइंड है तो मैं तो कुछ ना कुछ तो करूंगी, ये हुआ रिद्धि का, अरे रही रिद्धि नहीं, ये रहा अंकल जी का, ये रहा अंकल जी का जो कि हरदम होली खेलने के नाम से एकदम भागते हैं, तो ये चीज रहा अंकल जी का, मैंने रिद्धि के बाबा का, ये रहा सगुन का, इस पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है अंकल जी पे लिखा हुआ है मैं होली नहीं खेलेगा खेलेगा होली नहीं खेलेगा साला, अच्छा साला लिखा हुआ है सॉरी, हाँ मैं होली नहीं खेलेगा साला, ये रहा इस पे लिखा हुआ है मेरी पिचकारी सबसे भारी सब पे भारी, हाँ सब पे भारी, तो ये है शुभम का, और सेम चीज वही मेरी पिचकारी सबसे भारी, ये रहा सगुन का, दोनों मियां बीवी का एक ही जैसा कर गए हैं, हम दोनों का नहीं मिला एक जैसा, ये नहीं मैं मेरा ये मेरा है हैप्पी होली, इसमें सब में पीछे प्लेन है लेकिन होली वाला दिन का देखिएगा पीछे कुछ ना कुछ क्रिएटिव मिलेगा आप लोग को, और ये रहा सिन्हा जी का, सिन्हा जी का बुरा ना मानो होली है, ये सब हो गया, ये इतना चीज हो गया, उसके बाद होली का ही दिखा रहे हैं तो भाई चलो मैं और चीज दिखा दूं, वो था रंग खेलने के वक्त या खाना वाना बना रहे हैं तब हम लोग पहनेंगे, और दूसरा चीज गुलाल के लिए, गुलाल के लिए मैंने हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं, बहुत लोग हंसता है कहता है नया कपड़ा पहन के रंग खेला जाता है, तो हाँ भाई हमारे यहाँ नया कपड़ा पहन के ही गुलाल खेला जाता है,
तो ये रहा ऐसे ऐसे व्हाइट कुर्ता पैजामा है तीनों क्या बोलेंगे जेंट्स लुक के लिए। और यही चीज देख के मुझे बहुत ये इसमें भी बहुत अफसोस लगा कि आज अमित रहता तो उसके लिए भी कोई कोटेशन नया चीज रहता। चलो पर कोई बात नहीं, कभी आएगा जब दिवाली होली में आएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये तीनों जेंट्स लोग के लिए ऐसा ही प्लेन कुर्ता है, खोल के अभी नहीं दिखाएंगे नहीं तो पूरा घर चितर आ जाएगा। ये चीज हो गया होली का सामान, हम लोग अपना भी दिखा ही देते हैं। रंग खेलने और काम वोम करने के लिए दूसरा था, गुलाल खेलने के लिए तो वो तो पा चुका ये। और ये है हम लोग को, हम लोग अपना लिए है, चिकन का कपड़ा है बहुत ही अच्छा बहुत ही सॉफ्ट। और ये है चिकन का व्हाइट कुर्ता पजामा। और हाँ सरप्राइज सब रहेगा, वो चीज दिखेगा, वो आप लोग को देखना है कि क्या है और उसमें बताना है कि किसका क्या कौन सा रंग है, किसका कौन सा रंग है, ये चीज बताना है। क्योंकि ये चीज तो पहले आ जाएगा, ये पहले हम लोग डालेंगे उसके बाद होली का डालेंगे और जल्दी ही डालेंगे इसको। तो ये मेरा है कुर्ता और मैं तो कुर्ता और प्लाजो पहनूंगी। ये है प्लाजो, ये प्लाजो है सेम यही चीज है सगुन का, ये है सेम सगुन का सेम चीज है। और ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा चिकन का है कपड़ा। ये चीज हुआ इसके साथ वो ये लेगिंग पहनेगी तो लेगिंग इसका है अलग से मतलब की। तो ये हो गया होली का कपड़ा, नहीं सॉरी मेरी अपनी राजकुमारी का तो दिखा ही नहीं। और ये रहा रिद्धि का बेटू, ये रहा रिद्धि का। वाओ अच्छा है अच्छा, ये तो बहुत बटन पे ये देखिए रिद्धि का दिखाई दम साइज परफेक्ट है अच्छा है ना। तो दादू को रोके क्यों दिखाती बेटा, नखरे होते हैं दादू के पास। तो ये रहा रिद्धि का और इसमें बाकी चीज सब बनियान और वो सब है मेरे पास। अब चलते हैं हम लोग बर्थडे और होली से हटके हैं, होली से हटके अब हम लोग चलते हैं बर्थडे पार्टी पे। तो बर्थडे पार्टी पे सगुन ने खरीदा मेरे लिए, फिर कहानी आप लोग को बताएंगे। सगुन ने खरीदा हमारे लिए कार्गो जीनस खरीदा। अब भाई देखिए आप लोग बोलोगे कि बुढ़ घोड़ी लाल लगाम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे हमको और हमें कौन सा गाना एक है ना, जैसे मन करी वैसा हम पहन के चलब, हमर सैया जी के कीनल बसाड़ी हम लसार के चलब। तो हमारे बेटा और बहू का खरीदा हुआ है जीन्स, हम लसार के चल, हमारे इसको बनवा दो यार कल पहनना है। कटोर पहन के देखिए, देख लेते हैं पहन, बहुत बड़ा है इसको कटवाना होगा। ठीक है कटवा लीजिएगा। तो ये है जीन्स मेरा कार्गो, देखिए। हाँ भैया बर्थडे के दिन पहनेंगे तो उस ब्लॉग वो ब्लॉग आ ही जाएगा, ब्लॉग में देख लीजिएगा आप लोग। तो ये है जीन्स, खुला खुला है अच्छा है। और इस जीन्स के लिए टॉप ली है बर्थडे वाला दिन पहनने के लिए, टॉप तो ऐसे ली है तीन टॉप ली है, पॉल दिन तो खोले थे माँ ऐसा लग रहा कहाँ से उठा के लाएंगे। बोलिए अब उसे रख दिए है ना, कहाँ से उठा के पैक को उसी रख दिए। तो ये रहा उस जीन्स पे पहनने के लिए बहुत सुंदर, ये देखिए डार्क ब्लू और ऊपर पिंक कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। डार्क ब्लू है वो कि ब्लैक है? अच्छा मुझे क्या बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस है क्या या याददाश्त कमजोर हो गई है? ब्लैक है ये है, इसपे इसका सेट है। एक ये खरीदी, फिर ये एक पसंद आ गया कि गर्मी का दिन है थोड़ा सा और सब जीन्स जो है उस पर के लिए डेली अपना पहनने के लिए, और हमें ये पसंद आ गया थोड़ा सा, मुझे रेड से थोड़ा सा क्रेज है तो मैं ये ले ली, मैंने खरीदी सगुन ही लेकिन मैं एक ले ली है। तो ये सब टी शर्ट है, कोई ऐसा कंपनी ये सब का नहीं है लेकिन हाँ अच्छा है। मार्केट के शॉप से लिया गया है और सगुन ली डेली यूज के लिए प्लाजो। और ये आटा में बहुत अच्छा 200 में मिलता है, बहुत ही सस्ता सब आटा से मैं हम लोग लिए है, इतना कोई अमित का लिए थे छुट्टियों से, भाई ऑनलाइन पे हमें भरोसा नहीं है, अब मैं नहीं लेती हूँ तो इसीलिए। तो ये है अपना वही डेली यूज के लिए, काफी अच्छा और म्यानी वाला है, काफी अच्छा ड्यूरेबल रहता है और कपड़ा भी एकदम जैसे धोइए तो कपड़ा से मैंने कलर नहीं जाता है वो चीज है। ये कहते हैं ना इसमें थोड़ा सा सिंथेटिक मिक्स रहता है तो नहीं खराब होता। हाँ मैंने इसलिए लिया है कि रोज भाई आप मुझे देखते होंगे ब्लैक वाला नीचे पहनती हूँ, कम से कम 6 महीना हो गया वो ब्लैक वाला नीचे पहनते। मैं इंतजार में थी कि मार्केट जाऊंगी तो लूंगी, तो मिल गया मुझे। ये ली है फिर ऑफिस जाने के लिए, मेरे ऑफिस में फॉर्मल्स नहीं चलते है, आईटी में वैसे फॉर्मल्स नहीं चलता है, ये ली है तो मैं पहन लूंगी। एक ये टॉप ली है। हाँ एक और टॉप है सरप्राइज है आप लोग का,
वो जिस दिन हम लोग रील बनाएंगे ना उस रील में देखिएगा स्टेप है। और ये रहा फिर सगुन का, सगुन ये तुमको आएगा, ये हमको आ रहा है, बहुत बड़ा है, देखना देख लेंगे। लूज लूज चलता है, थोड़ा सा दबा दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है ना कि धोने पे कलर गिरता नहीं है, तुरंत दो घंटा में सूख जाता है। ये है सगुन का। अरे मेरी माँ इतनी कारीगरी करती है तो मुझे क्या दिक्कत है कि कौन ढीला है कौन टाइट है। और ये भी है, इस पे थोड़ा सा शक लग रहा है लेकिन आ जाना चाहिए। इसमें शक लग रहा है तो बेटी पहनेगी गाउन हो जाएगी, मतलब कि आप डबल चीजें फ्यूचर सोच कर लेती हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो, आज का मतलब कि मार्केटिंग का पूरा सब सामान सब हम लोग, और कुछ नहीं कर दे अभी। हाँ जींस नहीं दिखाए अभी से। माय गॉड, मेरा ही जींस नहीं दिखाया, आईशैडो निकलो यहाँ से। तो जो जींस चेंज करना था वो जींस यही रहा, तो इसका कार्गो है ये, जो कि बोल दिया था कि मेरे यहाँ का नहीं है, जारा का है, ये अच्छा है, नाम जारा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लोकल भी नहीं है, लोकल भी नहीं है, लाया गया है, अच्छा कपड़ा है। सबसे बड़ी चीज है ना कि आप कंपनी का लो चाहे लोकल लो, लेकिन ये लोकल नहीं है, एक कंपनी वो फैक्ट्री से आया हुआ है, फैक्ट्री जहाँ बनाता है, फैक्ट्री जो कहते हैं ना, तो उनकी जारा का है। ये सब मेरा वाला भी वही चीज है, बहुत अच्छा है, अट्टा में है दुकान, ये बहुत ही अच्छा है, ये HM का है। फर्स्ट टाइम ली, माँ ने जिद किया तो मैंने ले लिया, वैसे मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन पहनी थी तो अच्छा लगा था, कलर भी अच्छा है, और ये की ये है जींस, ये जींस भी बहुत अच्छा लगा था, मैंने सगुन का ही है। इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आवर चैनल जो टायर्ड कपल। बाय बाय, गुड नाइट मत बोलिए, गुड डे है।